एक्सपो सेंटर लाहौर में हुआ एनर्जी एग्जीबिशन, जहां दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनीज ने कम खर्च और बिजली की बचत के अपने अपने मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश किए। अगर इंसुलेशन हुई भी होगी 40% आपका जो बिजली का बिल है वो कम हो जाएगा। जो कंज्यूमर है वो सारा डाटा अपने कंजम्पशन का ऑनलाइन अपने मोबाइल पे देख सकता है, जिससे आपका बिल ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस वक्त यहाँ पर एक्सपो में हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं। डायमंड जंबो लोन का स्टॉल है और यहाँ पर एनर्जी सेविंग का एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और एक बिल्कुल यूनिक तरीका मुतारिफ करवाया गया है, जो कि है इंस्टॉलेशन का। और इनका कहना है कि इस इंस्टॉलेशन के ज़रिए से हम बिजली के बिल की बचत जो है वो काफ़ी हद तक कर सकते हैं। सर, ये इंस्टॉलेशन मटेरियल क्या है, इसके बारे में बताइएगा थोड़ा। जी, मेरा नाम फरुख है और मैं रीजनल मैनेजर हूँ डायमंड जंबो लॉन में। हमारा डायमंड जंबो लॉन बोर्ड जो है या डायमंड जंबो लॉन पीयू स्प्रे है, दो तीन क्वालिटीज़ हैं जो कि इंस्टॉलेशन करती हैं। इंस्टॉलेशन एक्चुअली एक इन्वेलप का नाम है, और आपका घर जब वॉल इंसुलेशन और रूफ़ इंसुलेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये एक इन्वेलप का शक्ल अख्तियार कर लेती है, और इसमें गर्मियों में गर्मी हीट नीचे नहीं आती और सर्दियों में सर्दी नीचे नहीं आती, जिसकी वजह से गर्मियों में आपका जब एसी की कंजम्पशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है और बिजली के बिल आजकल आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं, उस वजह से आप जब एसी चलाते हैं तो उसका जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो 26 के ऊपर नॉर्मली रखा जाता है। तो 26 अगर विदाउट इंसुलेशन घर होगा तो उसका 26 टेम्परेचर मेंटेन होने में टाइम लगेगा, और जब आप अगर इंसुलेशन हुई भी होगी तो वो 26 मेंटेन होने में जल्दी कर लेगा। मतलब कि अगर आप एक घंटे में समझ लें कि 26 एक घंटे में टेम्परेचर आएगा, वो ये 30 मिनट्स के अंदर 26 टेम्परेचर कर देगा, जिससे आपका 35-40% हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी और 35-40% आपका जो बिजली का बिल है वो कम हो जाएगा। और ये जितनी कॉस्ट आपकी 5 मरले या 10 मरले या 1 कनाल के घर के ऊपर आती है, वो आप पहले ही साल में 1 साल में अपना पे बैक ले लेते हैं। तो क्या इसकी कीमत क्या है, क्या कॉस्ट है इसकी? इसकी मुख्तलिफ थिकनेसेज हैं, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच थिकनेस, लेकिन जो हमारा लाहौर पंजाब रीजन का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के मुताबिक हम मिनिमम 2 इंच की थिकनेस कहते हैं, और 2 इंच की थिकनेस की इसकी इस टाइम कंपनी प्राइस 145 रुपीज पर स्क्वायर फिट है। आप इसकी कोई गारंटी दे सकते हैं? गारंटी आपको जब बिजली के बिलों में कमी महसूस होगी तो गारंटी खुद ब खुद ही आ जाती है, अदरवाइज़ हम लोग अपने लेटर हेड के ऊपर एक वारंटी लेटर बना के देते हैं कि ये डायमंड जंबो लॉन से इंसुलेट है ये घर, और इसमें इतने फ़ीसद बिजली की कमी होगी, और उसके ऊपर लोग एतमाद भी करते हैं। हमें तकरीबन 25 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं इस कंपनी के साथ, मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि मुतमईन हैं और आगे हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस वक्त हम एक चाइनीज कंपनी के स्टॉल पर मौजूद हैं और यहाँ पर इन्होंने ट्रांसफार्मर मेकिंग में बिल्कुल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। उनका कहना है कि इसके ज़रिए से बहुत ही ज़्यादा बिजली की बचत जो है वो की जा सकती है, और इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली का टैरिफ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकता है। हम नया मटेरियल मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, इसका नाम डाइमॉर्फस मेटल है और ये ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल होने वाला बिल्कुल नया मटीरियल है। एक अंदाजे के मुताबिक इसके इस्तेमाल से एनर्जी का 60% कम इस्तेमाल होगा, जो कि पाकिस्तान में एनर्जी सेविंग में अहम किरदार अदा करेगा। यू आर टॉकिंग अबाउट अ लेटेस्ट मटेरियल, सो इज इट कॉस्ट इफेक्टिव टू यूज और इंट्रोड्यूस हियर इन पाकिस्तान? मेरे इल्म के मुताबिक अब तक ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारिफ नहीं हुई, और इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में मुआवजना करवाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इंकलाब बरपा कर सकती है। व्हाई डू यू थिंक दैट पाकिस्तान कुड बी अ गुड पोटेंशियल मार्केट फॉर सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी? मैं जानता हूं पाकिस्तान और चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं टीवी पर देखता रहता हूं कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अगर इस्तेमाल होगी तो बिजली के कम टैरिफ इस्तेमाल होंगे। किंगडम सोलर कंपनी है, एक चाइनीज कंपनी है, और उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान एनर्जी एग्जीबिशन में अपने जो सोलर पैनल्स हैं और यहाँ पर उन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है,
एग्जीबिशन के लिए, और ये इनका पाकिस्तान में पहला एक्सपीरियंस है। और इनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो फ्यूचर में सोलर पैनल की प्रोडक्शन और सेलिंग के हवाले से एक अच्छी पोटेंशियल मार्केट साबित हो सकती है। हम किंगडम सोलर कंपनी हैं और हम प्रोफेशनल सोलर पैनल्स बनाते हैं। हमारी ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन है जो कि दुनिया भर में सबसे जदीद तरीन प्रोडक्शन लाइन है। इससे पहले हमारी मेन मार्केट यूरोप और जापान में थी, लेकिन अब हमें लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट भी काफी अच्छी और बड़ी है, इसीलिए हम लोग इस एग्जीबिशन को अटेंड करने आए हैं। अब मैं अपना सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग डिजाइन मुतारिफ करवाने जा रही हूँ, जो कि है मोनो 550 वॉट। ये नंबर वन सेलिंग डिजाइन है और मार्केट में 80% तक यही डिजाइन सेल हो रहा है। सो हाउ इज द पब्लिक रिएक्शन अबाउट योर सोलर कंपनी, अबाउट द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सोलर पैनल्स अप टिल नाउ? मेरे पास इसका कोई खास अंदाजा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर पहली दफा आए हैं। हमें अभी यहाँ पर मार्केट को देखना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जीबिशन सिर्फ सोलर पैनल्स के लिए नहीं है बल्कि ये ऑयल और गैस के हवाले से भी है, इसलिए यहाँ पर बिजली बनाने के लिए ऑयल और गैस जैसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें एक लंबे अरसे तक इंतजार करना पड़ेगा। शायद कराची में होने वाला सोलर एग्जीबिशन इससे ज्यादा बेहतर हो। सो व्हाई डू यू थिंक दैट पाकिस्तान कैन बी अ गुड पोटेंशियल मार्केट फॉर सोलर? हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में सनशाइन तो काफी ज्यादा है लेकिन यहाँ पर बिजली कम है, लेकिन हम क्लीन एनर्जी मुतारिफ करवा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर पाकिस्तान में सोलर पैनल्स मुतारिफ करवाए हैं। सो व्हाट्स द कॉस्ट, इज इट कॉस्ट इफेक्टिव? कॉस्ट मतलब इसकी प्राइस, आई थिंक मेरे ख्याल में इसकी प्राइस काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे कस्टमर्स को 2 दिन तक डिफरेंट प्राइस ऑफर की है। आज इस एग्जीबिशन का दूसरा दिन है और लोकल कस्टमर्स के मुताबिक इसकी प्राइस काफी अच्छी है क्योंकि ये लोकल प्राइस के मुकाबले में 2 गुना तक कम है। इस वक्त मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ, एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा क्लिक की है, क्रिएटिव ग्रुप का ये स्टॉल है जो यहाँ पर लगाया गया है और ये एनर्जी सेविंग के हवाले से ट्रांसफार्मर, सोलर पैनल्स और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा क्लिक की है इस टाइम पर, वो है इनकी स्मार्ट एनर्जी ऐप। हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस का दौर है और लोग जो है अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर खास तौर से बहुत ज्यादा परेशान है, खास तौर से बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बाद। तो इस वक्त हमारे साथ सीनियर इंजीनियर डिजाइन क्रिएटिव ग्रुप मौजूद हैं जिन्होंने ये लॉन्च की है स्मार्ट एनर्जी ऐप। तो इनसे इस ऐप के हवाले से जानते हैं, ये इसकी वर्किंग क्या है उसके बारे में उनसे बात करते हैं और कॉस्ट कितनी आएगी और इसको पाकिस्तान में प्राइवेट लेवल पर लॉन्च किया गया है या नहीं, और अगर नहीं किया गया तो कब तक इसका इरादा है, इन सारी चीजों के हवाले से इनसे बात करेंगे। मैडम इस तरह है कि ये हमने पहले कोई अराउंड 5 to 6 ईयर अगो हमने AMR मीटर देने शुरू किए हैं डिस्कोस को भी और कुछ सोसाइटीज़ को भी। उसमें ये होता था कि इसका डाटा ऑनलाइन जो क्लाइंट है जिस तरह लेस्को है या मार्टर टाउन सोसाइटी है वो अपने सर्वर पे देख सकते थे और अकॉर्डिंगली बिलिंग करते थे। अब हम 1 स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं कि ये ऐप हमने डिवेल्प कर ली हुई है डिस्कोस के साथ मिलकर, USAID के साथ मिलकर। बस ये सून जो है लॉन्च हो जाएगी, उसमें ये एडवांटेज होगा जो कंज्यूमर है वो इसका सारा डाटा अपने कंजम्पशन का डाटा ऑनलाइन अपने मोबाइल पे देख सकता है, इवन वो बिल पे भी कर सकता है। इससे ये एडवांटेज मिलेगा कि वो डेली बेसिस पे अपनी जब कंजम्पशन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें रिडक्शन आएगी। बाकी टेक्निकल पैरामीटर्स के रिलेटेड ये हमारे इंजीनियर हैं आकिब साहब, सीनियर इंजीनियर जिस पे वर्किंग कर रहे हैं वो आपको थोड़ा ब्रीफ करते हैं। अच्छा, मुझे बस आप ये बताइए कि इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पर क्या असर पड़ेगा? इसका यही होगा कि जो कोई आपके पास डेली रीडिंग आएगी, जो मॉनिटरिंग है वही होगी, इसमें कोई बिल पे कोई इतना ऐसा कम या ज़्यादा नहीं होगा। अगर कुछ कस्टमर सोच रहे हैं कि इससे बिल कम होगा वो नहीं, बस लाइव आपके पास डाटा आ रहा होगा, आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं जाके, आप मंथ बाद आपको आइडिया होगा हमें कितना बिल पड़ा है। तो जब डेली आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कंजम्पशन को, जिससे आपका बिल ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। सर आप इस ऐप के बारे में बताइएगा कि ऐप की वर्किंग क्या है? जी बेसिकली ये हमारे पास जो GSM मीटर है, सबसे पहले हमारे मेन सर्वर पे इसका डाटा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी रेलेवेंट जो भी MDM सर्वर है उससे आगे डाटा, जट से हमने ये प्रोजेक्ट मॉल्टन सोसाइटी के लिए सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो इसके अंदर हमने उनको कस्टमर पोर्टल दिया है जिसके अंदर वो जो है बैच वाइज अपने तमाम ब्लॉक्स की बिलिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज स्मार्ट मीटर में जो GSM मीटर्स का है वो ये है कि इसके लिए मीटर रीडर को फील्ड में जाके रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। इस मीटर में सिम इंस्टॉल है और डाटा सर्वर पे आ रहा है और इसके अंदर ओवर बिलिंग भी नहीं हो सकती। जो रीडिंग सर्वर पे आएगी उसके अगेंस्ट जो है बिलिंग होगी, इससे कंज्यूमर को एक एज है कि वो कभी उसके साथ ओवर बिलिंग नहीं होगी और ज्यादा नहीं होगी। और सेकंड चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके साथ हमने मोबाइल ऐप एंड्रॉयड की जो है ना इनकॉर्पोरेट की है, उसके अंदर कंज्यूमर आप अपने डेली स्टैटिस्टिक्स भी देख सकता है और उसको नोटिफिकेशन भी आती है डिस्कनेक्ट के हवाले से, अगर उसका किसी वजह से नॉन पेमेंट की वजह से अगर उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है कनेक्शन तो उसको उसके अंदर अलर्ट आ जाती है। प्लस वो अपनी जो है डेली
स्टैटिस्टिक्स दे सकता है, सोलर की एक्सपोर्ट देख सकता है, उससे वो मेक श्योर कर सकता है कि जो उसकी एनर्जी है सोलर की वो प्रॉपरली जो है एक्सपोर्ट हो रही है, और उसके लिए वो बेहतर क्या कर सकता है, किन पीक हॉर्स में वो कैसे अपनी एनर्जी को मैनेज करेगा, अपनी कंजम्पशन को, और जो उसको मोबाइल ऐप पे बिल की जो इंटीमेशन मिल जाती है उससे कंज्यूमर जो है ना बिफोर एंड रेडी रहता है बिल के लिए। और साथ में इसके अंदर हमने इसकी बिल के अंदर गेटवे भी कॉन्फ़िगर किया है जिसके अंदर वो घर बैठ के अपनी बिल पेमेंट भी कर सकता है। सर बताइएगा कॉस्ट कितनी आएगी इस एप्लीकेशन पर? इस एप्लीकेशन पे जो बेसिकली है कंज्यूमर एंड पे कंज्यूमर जो मीटर इंस्टॉल करवाता है, लेट से मॉडर्न सोसाइटी में ये इंस्टॉल हुआ तो कंज्यूमर ने जब इसकी मीटर की कॉस्ट पे करनी है, लेट से इसकी कॉस्ट है 50,000 40,000, तो उसके अंदर एप्लीकेशन की कॉस्ट भी आ जाती है। कंज्यूमर वो अपनी एप्लीकेशन यूज़ करके अपने स्टैटिस्टिक्स देख सकता है, और जो सोसाइटी वाले हैं या डिस्को वाले हैं वो इंटीमेशन उसके थ्रू कोई नोटिफिकेशन दे सकते हैं। ये एक बात क्लियर कीजिएगा कि इसको प्राइवेटली लॉन्च किया गया है, लाइक हम अपने घर हैं जैसे उनके जो मीटर हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ इस ऐप को अटैच कर सकते हैं, या फिर इसको अभी फिलहाल इंडस्ट्रियल लेवल पे लॉन्च किया गया है? ये बेसिकली जो है ना डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, लेट्स से लेस्को है, मैपको है, जो कंपनी प्रोजेक्ट करेगी टेंडर करेगी और वो जीएसएम मीटर परचेज करती है विद एप्लीकेशन, तो उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें। इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई परचेज करना चाहे तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस का आपको पता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत बुरा किस्म का एक एनर्जी बहरान चल रहा है और लोग जो हैं वो बिजली के बिलों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों की, इस तरह की ऐप्स की पाकिस्तान में ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इस तरह की एप्लीकेशन जिससे कंज्यूमर अपनी मॉनिटरिंग कर सकता है वो बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त सबसे जो मेजर चीज़ है जो कंज्यूमर अपने एंड पे कर सकता है वो है सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन। हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करें, वापडा को एक्सपोर्ट करें, फिर उसके अंदर ये होगा कि आपकी एनर्जी जो है कम कंज्यूम होगी, प्लस आप वापडा को एनर्जी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं, उससे आपका बिल एट द एंड कम होना है। तो इससे कंज्यूमर जो है मैक्सिमम अपना यही कर सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाए, सोलर एनर्जी यूज़ करे, इससे उसके बिल में इम्पैक्ट आएगा।